तो फाइनली हमें विलेज मिल ही गया, चलो लूटते हैं इसे। अरे इस घर में क्या है? वो एमरलेड। अरे यहीं पर एक ब्लैक स्मिथ भी है, तो चलो इससे ट्रेडिंग करते हैं। अबे ये क्या दे रहा है? ब्लेजर आउटपोस्ट। वेट, यहाँ पर स्पॉन करके ट्राई करते हैं। अबे ये क्या है? हाँ यही होने वाला है आज की वीडियो में। जो विलेजर्स हमें ट्रेडिंग के नाम पे कचरा देते थे, वो हमें देने वाले ओपी स्ट्रक्चर्स के एग। एंड इन्हीं ओपी स्ट्रक्चर में हमें मिलने वाली है ओपी ओपी लूट। और उन्हीं में से किसी एक स्ट्रक्चर में हमें मिलने वाला है खतरनाक एंटिटी, जिससे होने वाली हमारी फाइट। और उसे हरा के मिलेगी हमें एक ओपी स्वॉर्ड, और उसी स्वॉर्ड से हम मारने वाले इस वर्ल्ड के एंडर ड्रैगन को। मतलब इसी वीडियो में हमारी होने वाली है दो दो बॉस से फाइट, तो एंड तक जरूर देखना। एंड इसी बात पे वीडियो को लाइक कर दो, बाकी बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो फाइनली हम स्पॉन हो चुके हैं। सबसे पहले थोड़ी वुड कलेक्ट करते हैं, एंड वुडन की पिकैक्स रेडी है। अब यहीं पर स्टोन है, तो स्टोन भी कलेक्ट कर लेते हैं। एंड हमारे स्टोन के टूल्स भी रेडी है। और हम सबकी बेसिक नीड यानी फूड, उसे कैसे भूल सकते हैं। बट अब ये विलेज कब मिलेगा? अरे रात से दिन हो गया, पर अभी तक ये विलेज नहीं मिला। अभी सामने देख, विलेज मिल गया। अरे हाँ विलेज, चलो इसमें अब ट्रेडिंग करेंगे। सबसे पहले मैं इस गोलम को मारता हूँ। आजा बेटा, आ तो तू पिटेगा। अबे ये क्या सस्ते नशे हैं, इस बार थोड़ा अच्छे से मारना पड़ेगा। एंड गया, 5 आयरन मिले, पिकैक्स और शील्ड रेडी हैं। अबे यहाँ तो बहुत सारे विलेजर हैं, चलो पहले एमरल्ड ट्रेड कर लेते हैं। अबे देख, ये सिर्फ कैरेट से एमरल्ड दे रहा है, कैरेट तो यहीं पर है। सबसे पहले सारी की सारी कैरेट निकाल लेते हैं, एंड अब लेते हैं इससे एमरल्ड। एंड मेरे पास 2 एमरल्ड आ चुके हैं, तो करते हैं अपना फर्स्ट एग ट्रेड। ओ ये तो डेजर्ट टेम्पल का है। चल इसे विलेज से कहीं दूर ले जाकर स्पॉन करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पॉन करता हूँ। अरे वो पूरा डेजर्ट टेम्पल ही आ गया, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। अरे एमरल्ड, इनकी तो हमें बहुत जरूरत है। एंड इस डेजर्ट टेम्पल से हमें काफी अच्छी अच्छी लूट मिली, तो चलो अब बाहर चलते हैं। अब बोन मिल से कैरेट को दोबारा ग्रो करते हैं और वापस बहुत सारे एमरल्ड लेके आएंगे। तो हमारे पास 7 एमरल्ड कम्प्लीट हो चुके हैं, तो चलो अब ट्रेडिंग करते हैं। और ये हमें ट्रेडिंग भी दे रहे हैं ओशियन मॉन्यूमेंट। एंड यहाँ पे एक लाइब्रेरियन भी है, ये क्या ट्रेड कर रहा है? इंस्टेंट सिटी बोट और ब्लेज स्पॉनर। अरे हम तो इसको हरामी समझते थे, ये तो देव मानुष निकला। अभी मेरे पास एमरलेट बचे हैं, तो चल थोड़े और एक ट्रेड कर लेते हैं। एंड ये आर्मर है, ट्रेड कर रहा है नेदर फोर्ट्रेस। एंड ये बंदा क्या दे रहा है? ओपी ब्लेज स्पॉनर, भाई साहब। एंड फार्मर हमें दे रहा है स्ट्रॉन्ग होल्ड। चल अब इन सारे एक को ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं स्पॉन करने वाला हूँ ओशियन मॉन्यूमेंट। अबे स्पॉन करते ही अटैक कर दिया। गाइस हमारे साथ स्कैम हो गया, इसमें तो कुछ भी नहीं है। सही कह रही है, चल एंड सिटी स्पॉन करते हैं। एंड 3 2 1 कहाँ है? अच्छा ऊपर है, तो चलो इसके अंदर चलते हैं। अरे वाह, एंड में जाने से पहले ही लाइटर मिल गया। एंड इस चेस्ट में चेक करते हैं। ओ भाई साहब, इतना ओपी सामान। वैसे मैंने भी एक विलेजर से ओपी एंड सिटी का एक ट्रेड किया। चल तो फिर जल्दी नीचे चलते हैं। अबे मैं कैसे आऊँ? तू नीचे जैसे ऊपर गई थी, तो इतनी देर क्यों कर रही है? कर दे स्पॉन। अरे नेदरराइट और डायमंड्स, जल्दी चल ऊपर। वेट, यहाँ पर ज़ॉम्बीज़ हैं और वो भी फुल नेदरराइट आर्मर के साथ। अबे ये तो बहुत पावरफुल है। एंड इतनी देर बाद गया। ओ इसने नेदरराइट आर्मर ड्रॉप करा। यहाँ एक और है, ये भी गया। अबे यहाँ का इलाइट्रा मैं लेने वाली हूँ, ठीक है ना? ठीक है ठीक है। इसकी चेस्ट में देख कितना ओपी आइटम है। ये क्या है? स्ट्रेंथ 10 का पोशन। इसे तो एंटिटी को मारते टाइम यूज करेंगे। चल डायमंड तोड़ के डायमंड के टूल्स बना लेते हैं और फिर नेदरराइट से उन्हें अपग्रेड कर लेंगे। अपग्रेड करने के लिए तो स्मिथिंग टेबल चाहिए, और हम पर तो आयरन ही नहीं है। मतलब हम पे नेदरराइट का आर्मर है और आयरन के लिए हमें भटकना पड़ रहा है। और यहाँ एक और गोलम है, इसे ही मार के आयरन लेते हैं। अरे वाह, इसने 4 आयरन दिए। एंड स्मिथिंग टेबल रेडी है, तो अब हमारे सारे टूल्स नेदरराइट के हो चुके हैं। एंड अब टाइम है ब्लेज स्पॉनर को स्पॉन करने का, तो अब ब्लेज इसको मार के ब्लेज रोड कलेक्ट करते हैं। तो मेरे पास टोटल 42 ब्लेज पाउडर हो चुके हैं। ये ले, ये तू रख ले, मेरी चलती फिरती सेलकर वो। क्या बोला? अभी सारे यहीं फेंक दूंगी। अरे नहीं, मजाक कर रहा था। तो अब हम समन करने वाले हैं नेदर फोर्ट्रेस। ओ भाई ये कितना अजीब लग रहा है, चल जल्दी ऊपर चलते हैं। अभी तक तो ब्लेज स्पॉनर के अलावा कुछ मिला ही नहीं है। सही कह रही है, कुछ नहीं मिला। अबे वहाँ एक चेस्ट है, तो चलो इस चेस्ट में देखते हैं। अरे रीजनरेशन 10 का पोशन, मजा ही आ गया। अबे इस रूम में तो कुछ ज्यादा ही मॉब्स हैं। अबे देख अंदर एक चेस्ट भी है, चलो इस चेस्ट में देखते हैं। अरे इसमें तो विलेज का एग है, क्या पता विलेज में ये एंटिटी मिल जाए। वैसे हम एंटिटी से लड़ने के लिए उतने ही एक्साइटेड है जितने लोग हमारी एसएमपी के लिए। वेल हमारी एसएमपी तो जल्द आएगी, लेकिन अगर आपको अभी खेलना है तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा एसोबो सर्वर। वो क्यों अभी बताता हूँ। एक बार मैंने किसी सर्वर पे एक घर बनाया, तो फाइनली मेरा कार्सल रेडी है। अब चलो थोड़ी माइनिंग करने चलते हैं। तो मुझे 4 डायमंड मिले। वेट ये घर कौन तोड़ रहा है? अबे तू मेरा घर क्यों तोड़ रही है? इतने सारे TNT क्यों लगाए हुए हैं? अरे नहीं, मेरा पूरा कार्सल तोड़ दिया। यस
यही हुआ मेरे साथ, लेकिन ये आपके साथ ना हो इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूँ एसोबू सर्वर, क्योंकि इस सर्वर पे आपको ऑप्शन मिलता है लैंड क्लेम का। अगर आप इस सर्वर पे लैंड डाउन करते हो तो ना ही कोई बंदा आपके लैंड पे कुछ बिल्ड कर सकता है और ना ही कुछ तोड़ सकता है, और अगर आपके घर में कोई चेस्ट भी है तो दूसरा बंदा आके उसे एक्सेस ही नहीं कर सकता। एंड उस लैंड के नीचे बेडरॉक तक जितने भी रिसोर्सेज है वो सब भी बस आप ही ले सकते हो। अगर अपने लैंड पे आप कुछ अच्छा सा स्ट्रक्चर बिल्ड करते हो तो आप उसे फ्यूचर में सेल भी कर सकते हो एट हाई प्राइसेस, एंड आपको लैंड क्लेम करने की और भी काफी बेनिफिट्स होने वाले हैं। वैसे तो ये लैंड आपको इनकी वेबसाइट से बाय करने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप हमारा रेफरल कोड यूज करते हो /referflip तो आपको एक नेदरराइट की हो और बेड मिलेगा जिससे आप 20 लैंड्स तक अपने क्लेम कर सकते हो। सबसे पहले आपको माइनक्राफ्ट में एड सर्वर दबा के सर्वर नेम और सर्वर एड्रेस डालना होगा जो कि आपकी स्क्रीन पर गिवन है। देन आपको सर्वर ज्वाइन कर हमारा रेफरल कोड डालना है /referflip। देन आपको एक नेदरराइट की हो मिल जाएगी जिसे लैंड पर हिट करने के बाद आपका लैंड क्लेम हो जाएगा। एंड सेकंड स्टिक को हिट करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका लैंड कितना क्लेम हुआ है। एंड इस सर्वर पर काफी सारे कॉम्पिटिशन भी होते रहते हैं, जैसे अभी पीवीपी का कॉम्पिटिशन हुआ था जो कि काफी अमेजिंग था। एंड फ्यूचर में इनकी वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है जिसपे से आप एसएस बहुत लो प्राइस पे खरीद सकते हो, जैसे कि 5 रुपए में डायमंड। बट अभी ये सब काम इनके डिस्कॉर्ड सर्वर पे होते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है ना अमेजिंग, इसी बात पे कर लो ज्वाइन। तो जल्दी से अपना नेक्स्ट स्ट्रक्चर स्पॉन करते हैं, क्या अबंडेंट विलेज? अरे हमें लगा था कुछ ओपी विलेज होगा, पर चलो कोई नहीं, एक बार चल के चेक करते हैं, कुछ तो होगा ही। अरे यहाँ पे एक ब्लैक स्मिथ का घर है, चल इसके घर में चलते हैं। ये क्या है, ओपी वेल? सुनने में तो मस्त सा लग रहा है, जल्दी स्पॉन कर। हाँ अभी करता हूँ। अरे ये तो काफी ओपी है, बट इसके अंदर कुछ नया नहीं दिख रहा। वेट, यहाँ पे एक लीवर है, इसे दबाते हैं, कुछ तो आवाज आई। अरे वाह, अंदर एक सीक्रेट टनल खुल गई, चला इसके अंदर चलते हैं। यहाँ एक चेस्ट है, इसे खोल के देखते हैं। ओपी नेदर फोर्ट्रेस, ये बहुत ज्यादा डीप जाके मिला है, तो मुझे लगता है एंटिटी इसके अंदर ही होने वाली है। सही बोल रही है, इसे स्पॉन करता हूँ। ओ भाई ये तो कुछ ज्यादा ही अमेजिंग है, यहाँ तो एक आते ही चेस्ट मिल गई, इसमें क्या है, एंडर पर्ल, यही तो चाहिए। अरे सामने भी एक चेस्ट है, इसमें जाके देखते हैं। इतनी ओपी स्वॉर्ड, इसे ले लेता हूँ, एंटिटी को मारने के काम आएगी। पूरे फोर्ट्रेस में सिर्फ ये लास्ट जगह बची है, क्या पता यही एंटिटी मिल जाए। रुक मैं चेक करता हूँ। अरे यहाँ डेंजर का बोर्ड भी लगा है। वेट, सामने सल्कर बॉक्स है। अरे पीछे से कुछ आवाज आ रही है। अबे एंटिटी भाग, जल्दी जल्दी से पोशन पी ले, फाइट का टाइम आ गया। अबे ये तो उड़ उड़ के मार रहा है, कहाँ गायब हो गया? आज तो ये हमसे बहुत बुरी तरह पिटने वाला है, क्योंकि जब तक हम पे रीजनरेशन का इफेक्ट है ये हमें कुछ नहीं कह सकता। अबे ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है, स्टंट टैन के पोशन से भी इसे कुछ नहीं हो रहा है। वेट, हमारा रीजनरेशन हट गया। अरे एक ही बार में 4 हर्ट का डैमेज, वो भी न तो राइट आर्मर में, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अबे आज तो मैं पक्का मरने वाला हूँ, बचा मुझे, मेरे 3 हर्ट बचे बस। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करूँ लेकिन ये मर ही नहीं सकता। ऐसे तो ये नहीं मरने वाला, इसके लिए कुछ ओपी प्लान ढूंढना पड़ेगा। मेरे पास एक ओपी प्लान है, तू इसे अपने पीछे लगा और मैं जल्दी से उस स्वॉर्ड को लेकर आता हूँ। अबे जा जल्दी, है ज्यादा देर नहीं रोका जाएगा, मार देगा मुझे। ये रही वो स्वॉर्ड। ओ भाई साहब ये तो बहुत पावरफुल है, अब मेरे पास भी एंटिटी जैसी पावर है। आजा एंटिटी, तू नहीं बचेगा। अबे गया, यस जीत गए हम। चला एंड में चलते हैं, मुझे लगता है एंडर ड्रैगन तो 2-3 स्वॉर्ड में जाएगा। चल कल स्ट्रॉन्ग होल्ड स्पॉन देख के एंडर ड्रैगन को भी। अबे ये तो एंड पोर्टल रूम सामने ही है। एंड हमारा एंड पोर्टल रेडी है, लेट्स गो। एंडर ड्रैगन मैक्स फ्लेम आ गए, अब तो तेरा पत्ता कट के रहेगा। एंड ये पड़ा इसको पहला सोट। ओ भाई इतनी हेल्थ गई। ये दूसरा और गया, यस गाइस हमने तो अपना चैलेंज कंप्लीट कर दिया, अब जल्दी से आप भी लाइक और सब्सक्राइब कर दो। एंड थैंक्स टू एन प्लेस जिसने हमारी वीडियो बनाने में हमारी हेल्प करी, जल्दी से इनके चैनल को भी चेकआउट कर लो। एंड इन्हीं की तरह अगर आप भी हमारी वीडियो में शाउट आउट चाहते हो तो जल्दी से डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, गुड बाय। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many